हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसेट 2018 का जो आपका एग्जाम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डॉट दिया हुआ आपके, डॉट प्लस वन डॉट प्लस टू डॉट प्लस डॉट थ्री प्लस डॉट वन इज इक्वल टू 218 डॉट। इसके अंदर आपके क्वेश्चन में है कि जो टोटल सम है वो 21 डॉट है, तो डॉट की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, जब आप काम करते हो, कभी भी सम करते हो, तो कैसे लिखते हो? यूनिट प्लेस पे जो आपकी वैल्यू है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, सो आपका यूनिट प्लेस पे ही आएगा। उसके बाद में है वन डॉट, क्लियर। उसके बाद में क्या है, टू डॉट। देन आपके पास में क्या है, डॉट थ्री। उसके बाद में है डॉट वन, ये वैल्यू है। और इनका जो टोटल है उसमें हमें क्या चाहिए? अब देखिए, हमें एक वैसी वैल्यू चाहिए जिनके अंदर जब आप फोर को ऐड करो, थ्री टाइम्स करके फोर को जब आप ऐड करते हो तो वही नंबर आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो अगर आप फोर को प्लेस करते हैं, हम अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फोर 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 प्लेस करते हैं, तो कितना आ गया, फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, मीन्स यूनिट प्लेस पे आपका सिक्स आ रहा है। ठीक है जी, अगर आप फाइव प्लेस करते हो तो फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन, यूनिट प्लेस पे नाइन आ रहा है। अगर आप सिक्स प्लेस करते हो तो सिक्स थ्री जो एटीन, और फोर आपका ट्वेंटी टू, तो आपका टू आ रहा है। अगर आप एट प्लेस करते हो, ठीक है, तो 83 जा 24 प्लस 4 28, मींस जब आप यहाँ पे सभी की जगह पे 8 प्लेस कर देते हो, देखिए, तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू बन रही है वो क्या आ रही है, 28, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने 8 आ गया, अब यहाँ पे भी आप 8 प्लेस करके देखिए, तो जब यहाँ पे हम 8 प्लेस करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 16 प्लस 3, ठीक है जी, 19, और 2 आपका कह रही था 21, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी डॉट के जगह पे वो क्या आएगी बच्चे, हाँ जी 8, ठीक है। हाँ जी, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागोनल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, आपके पास में एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन क्या होता है आपका, जिसकी एट साइड्स होती है, क्लियर है, इसकी एट साइड्स होती हैं, दैट इज एन ऑक्टागन, एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल साइज। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इससे हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए, डायगोनल्स में एक डायगोनल, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से आप उठाइए, एक यहां तक लेके जाएंगे, फिर यहां तक लेके जाएंगे, ठीक है, और एक आपका जैसे यहाँ पे। तो इस तरह से जो डायगोनल है वो कैसे बन रहा है, दो डॉट्स को आपस में मैच करने से बन रहा है आपका। इसको इसके साथ में मैच किया, अब इसको जब आप इसके साथ में मैच कर रहे हो, क्लियर है, तो हमारे दो पॉइंट से मिलके क्या बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल है, कितनी साइड्स है, एट साइड्स होती हैं आपके ऑक्टागन की, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8C2, क्लियर। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, है ना, जब हम इस पॉइंट से इसको कंसीडर करते हैं तो भी आपका डायगोनल बन रहा है, और जब इस पॉइंट से जब कंसीडर करोगे तो भी आपके पास में वैल्यू इधर जा रही है। तो हमारे पास में जो 8 डायगोनल्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको क्या करोगे आप, इसमें से माइनस, ठीक है जी। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास में आ गया फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो फिर जो फैक्टोरियल 8 है उसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। 6 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास में हो गया 4,
क्लियर। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 28। अब 28 यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला कि आपको क्या करना है कि 8 से 2 फाइंड आउट करना। तो ये आपके टोटल डायगोनल्स आ गए, बट यहाँ पे आपके पास में 8 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से आपके यहाँ तक भी वैल्यू जाएगी और जब आप यहाँ से काउंट करोगे तो भी आप इसी डायगोनल को काउंट करोगे, तो इनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर, तो स्टूडेंट्स इसका आपका आंसर कितना आ गया, 20। डन, हाँ जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एक फिगर दी हुई है। ठीक है जी, द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स अ वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। दो व्हीकल्स हैं आपके, उनकी वेलोसिटी जो है वो आपकी इस ग्राफ से शो करी गई है। द स्ट्रेट लाइन ओ के पी, द स्ट्रेट लाइन ओ के पी, जो आपके पास में स्ट्रेट लाइन दी हुई है ओ के पी। देखिए हम इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से आपके पास में कुछ। अब उसके बाद में ये वैल्यूज आई हुई है, ये आपके पास में ओ के पी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद में जो आपका सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट से आपका डी पॉइंट तक ये क्या है, वेलोसिटी नहीं है सॉरी, ये है अपना व्हीकल बी जो है उसकी स्पीड दी हुई है। यही दिया देखिए कि द स्ट्रेट लाइन ओ के पी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए, जो व्हीकल ए है उसकी है ओ के पी, ये है आपके व्हीकल ए की वेलोसिटी है। ठीक है जी, एंड सी के डी, सी के डी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी। क्लियर, इन द फिगर डी इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी सच दैट पी डी इज इक्वल टू 1/2 LD। पी डी, दिस पी डी इज इक्वल टू 1/2 LD। अब देखिए अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय व्हीकल ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल OL। OL टाइम इंटरवल के अंदर ये आपका एक टाइम इंटरवल है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये वेलोसिटी है। तो आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम व्हीकल ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए व्हीकल ए की जो वेलोसिटी है वो ये है। ठीक है, और ये आपका टाइम दिया हुआ, तो आपके पास में देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे आपके पास में जो बेस है, बेस क्या है ओ एल, एंड जो आपका परपेंडिकुलर है हाइट है वो क्या है पी एल। क्लियर, हाँ जी, ये है कौन सा आपके पास में डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ए। अब देखिए अब हम अगर व्हीकल बी की फाइंड आउट करते हैं, तो व्हीकल बी की क्या है आपके पास में, व्हीकल जो बी है इससे आपके पास में क्या ड्रॉ हो रहा है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास में एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे। रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो आपके पास में क्या है, देखिए सी वी डी। ठीक है जी, तो यहां से अपने पास में जो सी बी डी है ये किसके बराबर है, ओ एल के बराबर है। ये आपके पास में हो गया ओ एल इंटू, ये आपकी जो विड्थ है, जो है आपकी हाइट ब्रेथ, तो ये कितनी है आपकी, यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो वैल्यू है पी डी दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एल डी। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया एल। क्लियर, यहां तक अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों के जो डिस्टेंस है उनकी रेशियो फाइंड आउट करो।
तो जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों वेरिएबल्स को आप लेते हो, ए और बी की रेशियो फाइंड आउट करते हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए रेशियो बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ए, ये हो गया आपकी ओ एल, इंटू जो पी एल है, पी एल को आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी, जो आपके पास में पी एल नहीं, सॉरी एल टी है ये आपके पास में पी एल, ठीक है। तो पी एल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, आपका ये हो गया 1/2 एल डी, और ये आपके पास में प्लस एल डी, दैट मीन्स कितना हो गया 3/2 एल डी हो गया। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, पी एल की जगह पे 3/2 एल डी, क्लियर। उसके बाद में आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है किसके साथ में, बी के साथ में, बी की वैल्यू क्या है, ओ एल इंटू एल डी। अब एल डी से आपका एल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ एल से ओ एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या रेशियो आ गई, 3:4, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास में जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, 3:4। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है थोड़ी सी कट रही है, सी और डी ऑप्शन, तो सी और डी ऑप्शन में आपके पास में आपके होगा क्या, 3:4, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए ट्रेन 20 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आर। एक आपके पास में ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर, क्लियर। उसके बाद में है मूविंग एट ए रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, हाँ जी, जो आपकी स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर, ठीक है जी। अब जो आपकी स्पीड है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आर, और जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपके पास में स्पीड है वो भी आपको सेम उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर पर आर में है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। और जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं, हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, एंड टाइम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास में, 200 मीटर डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास में रह जाएगा 40 × 5, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास में, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 18 आ, हाँ जी, क्लियर। तो 18 क्या है आपके पास में, ये सेकंड्स है, क्यों, क्योंकि हमने जो आपका स्पीड थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए, इफ एक्स इज बिटवीन -3 and -1, जो एक्स है उसकी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, -3 से -1 के बीच में, एंड वाई इज बिटवीन, वाइज वैल्यू जो है आपके किस में, -1 से 1 के बीच में, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किन दो वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो अब देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो पहले हम इसकी, क्योंकि जब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट वैल्यू करनी है तो हम मैक्सिमम लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है, अगर माइनस में वैल्यू है, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गई वैल्यू 9 माइनस, अब इसके बीच में 0 भी एग्जिस्ट करता है, -1 0 1, इस तरह से ही जाएगी आपकी वैल्यूज। तो अगर हम y को कंसिडर कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू 0, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है जी। ये आपके पास में क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की, अगर मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू आप कंसीडर करिए यहाँ से मिनिमम, यहाँ से जब आप मिनिमम वैल्यू लोगे तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर क्या होता है,
हाँ जी, वन का स्क्वायर वन, और यहाँ से वाई को हमने माइनस करना, तो वाई का स्क्वायर क्या है, चाहे आप वन लीजिए चाहे माइनस वन लीजिए, तो स्क्वायर तो वन ही आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। दैट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, जीरो एंड नाइन के बीच में, मीन्स मिनिमम वैल्यू जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू नाइन, जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्लियर? सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट्स, एक नंबर है वो तीन डिजिट से मिलके बना है। देखिए जी, जब भी आप कोई भी नंबर लिखते हो तो उसमें क्या होता है, एक यूनिट प्लेस होता है, ठीक है जी, फिर टेंस प्लेस है, और उसके बाद आपका हंड्रेड प्लेस है, इस तरह से वैल्यू जाती है आपकी। तो यूनिट प्लेस पे एक वैल्यू है आपकी, टेंस पे है और हंड्रेड पे। अब आगे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच द ए नंबर कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट्स, विच द मिडल वन इज जीरो, मिडल की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये आपका क्या है, जीरो है। इफ द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंज एंड देयर सम इज फोर, अब जो इनका जो टोटल सम है वो किसके बराबर है, फोर के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर तीनों वैल्यूज का अगर हम सम करेंगे, दैट मीन्स फोर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपने पास में एक्स वैल्यू और यहाँ पे वाई है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है आपका, फोर के। इफ द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर बाय इटसेल्फ बाय 198, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, एक्स और वाई की वैल्यू को अगर हम इंटरचेंज कर दे, तो इससे जो एक नया नंबर बनेगा वो नंबर आपके पुराने वाले नंबर से 198 क्या है, बड़ा है। तो अब अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास में नंबर क्या बनेगा, वाई आफ्टर एक्सचेंजिंग, हाँ जी, आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वाई जीरो एंड एक्स, और जो आपका ऑड नंबर है बिफोर एक्सचेंज जो नंबर है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर जो आपका है वो आपके पास में क्या है, एक्स जीरो वाई। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मींस ये नंबर इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 198। क्लियर? दैट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी उसके अंदर जब आप इसको माइनस करोगे तो यूनिट प्लेस पे आपके पास में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी नंबर ले लेते हैं एक एग्जाम के तौर पे, मान लो मैंने 12 के अंदर से 8 माइनस कर लिया, ठीक है, तो कैसे करते आप, 12 की जगह 22 ले लीजिए आप, ये 2 तो नहीं कंसीडर करते, आप क्या करते हो यहाँ से एक कैरी लेते हो, उसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाती है आपकी, 12 बन जाती है। ठीक है जी, 12 माइनस 8 आप क्या लिखते हो यहाँ पे, 4 लिखते हो, इसी तरह से करते हो, यही सेम मैं अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको कैरी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स कि यहाँ से कैरी तो ले रखा है उसने, तभी यहाँ पे 9 है, तो जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 + 1 = 12 हो रहा था आपका, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। हाँ जी, देखिए क्या होगी आपके पास में वैल्यू, x प्लस 10, और इसके अंदर से जब आप इस y को माइनस करते हो तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है, 8। दैट मीन्स x माइनस y आपके पास में क्या हो गया, माइनस 2। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस y इज इक्वल टू आपके पास में माइनस 2। अब दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है x प्लस y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, दैट मीन्स कि ये जो आपका नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू है 1 और यहाँ पे आपके पास है 0 और यहाँ पे है 3। दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस फाइंड आउट करिए, 3 - 1 इज इक्वल टू क्या है, 2, दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 2, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन 2। डन?
हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स सरफेसेस। एक आपके पास में क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब के ऊपर क्या किया गया है, एक क्यूब है आपके पास इस तरह से, ये आपका क्यूब बन के आ गया। तो अब इस क्यूब को क्या कह रहा है कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। तो इसके जितने भी फेसेस हैं सभी को पेंट किया गया है, कितने किसे, सारे के सारे फेसेस को पेंट कर दिया है। इट कट्स अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। फिर उसके बाद में इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब से। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। कहते हैं कितने के फेसेस जो है वो पेंटेड होंगे, ठीक है जी। अब आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान के चल सकते हो, क्वांट का भी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में जो क्यूब है उसकी साइड्स बता रखी है और हमें इसके अंदर क्या लेना है, इसका जो वॉल्यूम है आपका, ठीक है जी, वो फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्वांट के अंदर आपको करवा रहे हैं। अब देखिए जो क्यूब है, क्यूब की जो एक साइड है वो कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। दैट मींस आप जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, दैट मींस 27। अब जो हमने नया छोटा क्यूब बनाना है उसकी साइड क्या कह रहा है, न्यू क्यूब की 1, और अगर हम इसका भी फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 1। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 27 / 1, दैट मींस 27 क्यूब्स आपके न्यू बनेंगे ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर ईच। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान करना है, मींस कि यहाँ पे आपके पास में ये 3 ऐसे बन रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह से, क्लियर। इसी तरह से नीचे वाली साइड पे सभी साइड्स पे आपके 3-3 करके बन गए। अब 27 आपके पास क्यूब्स है और आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। दो जो फेस है वो पेंटेड हैं। तब अगर हम 2 पेंटेड फेसेस फाइंड आउट करेंगे तो हम जो जो फेसेस जिन पे कलर नहीं है या फिर 3 साइड्स कलर्ड हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जो बिल्कुल बीच में होगा इसको ना थोड़ा सा आपको माइंड में अज्यूम करके चलना है, आपका क्यूब है, एक बॉक्स है लगा लीजिए, ठीक है जी। अब उस बॉक्स के जो अंदर वाला एरिया वो तो पेंटेड नहीं है और उसके अंदर से भी एक क्यूब निकल के आएगा, एक क्यूब उसके अंदर से भी निकल के आएगा, तो वो वाला आपने आउट करना है, मीन्स नो कलर, जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा, कितना हो गया, 1 क्यूब वो हो जाएगा। अब अगर हम इसके जो 4 साइड्स की बात करें, देखो जो क्यूब है उसके पास में कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब जब कॉर्नर की आप बात करते हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब कॉर्नर पे आप जाओगे तो उस कॉर्नर के इस साइड में भी कलर होगा, ठीक है जी, और इधर वाली साइड पे भी कलर होगा और इधर वाली साइड पे भी कलर होगा, मीन्स तीनों साइड पे कलर होगा, तीनों साइड पे कलर होगा, ठीक है जी। तो तीनों कलर जो जिन पे तीनों साइड पे आपका कलर होगा तो वो कितने हो गए, 8 हो गए, मीन्स इसी तरह से जब हम बेस की बात करते हैं तो जो आपका बेस है उसके अंदर देखो जो आपके आइट साइड में होंगे, ठीक है, उनके ऊपर कितने कलर्स होंगे, हाँ जी, जो आपका फॉर एग्जांपल आपका जो बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के ऊपर की जो साइड में होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही कलर होगा, एक ही कलर होगा, तो 1 साइड कलर। 6 बेस है, दैट मीन्स कि जो 6 बॉक्स बनेंगे आपके, जो 6 क्यूब्स बनेंगे उसमें 1 साइडेड कलर होगा, तो 6 आपके ये निकल गए। क्लियर, कितने निकल गए आपके, यहाँ पे 1 आपका जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है और आपके पास में 8 बॉक्सेस वो निकल गए हैं जिनके अंदर आपके पास में कितने कलर्स हैं,
थ्री कलर्स हैं और जिसके अंदर आपका एक कलर है वो हो गया आपके पास में सिक्स। तो जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं, जिसके अंदर क्या है आपके पास में टू साइडेड पे कलर है। डन। तो ये आपके पास में टोटल हो गया 14 एंड 1 15। तो टू साइडेड वाले आपके कितने हो गए 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया। इसको थोड़ा सा ना आप माइंड में एनालाइज करिए कि एक बॉक्स है, ठीक है जी, उस बॉक्स के अंदर जो है अगर हम उसके पीसेस करते हैं तो जो अंदर वाला उसके तो कोई कलर होगा ही नहीं, ठीक है, और जो कॉर्नर्स पे है तो उसके कॉर्नर्स के ऊपर जो है आपका बॉक्स तो उसके अंदर आपके तीन साइड्स पे कलर होगा। तो तीन साइड्स वाले कितने हैं, आठ कॉर्नर है आपके, तो एट जो है वो आपके वो माइनस हो जाएंगे। और जो आपका बेस है, बेस के अंदर जो बीच वाला है उस पे भी एक ही कलर होगा, ठीक है, तो वो आपके सिक्स आपके वो माइनस हो जाएंगे। तो टोटल 15 माइनस हो गए आपके, तो कितने क्यूब्स आ गए, 12 क्यूब्स आ गए, ठीक है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट कहता है, व्हाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 टू 1000, हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100th प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट्स एट 10th प्लेस एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस। हाँ जी, देखिए पहले हम लेते हैं 700 से 800 तक फाइंड आउट करते हैं। अब 100 वाला जो प्लेस है, ध्यान से समझिएगा, जो 100 वाला प्लेस है वो 10th वाले प्लेस से ग्रेटर होना चाहिए और जो हमारा 10th वाला प्लेस है वो यूनिट वाले प्लेस से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब 700 से अगर आप 800 तक फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे कम आएगा। उसके बाद 764, 63, 62, 61 एंड 60। क्लियर। तो कितने नंबर्स हो गए आपके पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। अब इसी तरह से जब 700 की हम बात कर, 700 की लाइन में आप जा रहे हो तो सॉरी, ये 700 नहीं है क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि 700 से 800 तक हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपके पास में टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं आप, फिर 4 3 2 1 एंड 0, ये आपके कितने हो जाएंगे, हाँ जी 5 हो गए। सेम वे 7 4 3 7 4 2, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है वहां से, ठीक है, आप माइंड में ही कर सकते हो। देखो हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास में 6 हो रहे हैं, यहाँ 5 हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे, ठीक है। कैसे, कितने आ गए, 4। उसके बाद में आपके पास में 7 3 2 7 3 1 7 3 0 3, देन 7 2 1 7 2 0 2, देन 7 1 0। क्लियर। अब इनको जब आप टोटल करते हो तो आपके पास में जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, देखिए 6 5 11 4 11 4 15 15 and plus 5 20 and 21, देखिए कितना हो गया 21। अब उसके बाद में अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ये था आपका 700 से 800 तक। अब अगर हम 800 से 900 तक की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में आप क्या लोगे, यहाँ पे एक और आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्या होगा 8 7 6, फिर 8 7 5 अप टू 8 7 0, ठीक है। कितनी वैल्यूज होगी आपके पास में, 7 वैल्यूज हो गई हैं। कितनी वैल्यूज हो गई है, 7। तो फर्स्ट टाइम पे कितनी आएगी, 7, फिर 6 5 4 3 2 1। अगेन आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना, हमारे पास में वैल्यू आ गए 21 और 7 कितने हो गए आपके पास में 28। क्लियर। अब हम करेंगे 900 से 1000। जब 900 से 1000 करोगे उसमें आपकी जो पहली वैल्यू है वो आप कैसे कंसीडर करके चलोगे, 987
फिर उसके बाद में 986, इस तरह से 980, तो ये आपके पास में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 8। इसके बाद में क्या करोगे 7675, ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 5, इस तरह से चलेगा। तो आपके पास में वैल्यू हो गई 8। तो ये थे 8 आपके पास में और हो गया, तो कितने हो गए 36, ठीक है। तो अब टोटल अगर हम इनका फाइंड आउट करते हैं तो 21 प्लस 28 प्लस 36 एंड दिस विल बी 86 14 1 15 एंड दिस विल बी 7 18। क्लियर, तो कितने हो गए आपके पास में 85। तो आपकी जो ऑप्शन है सी 85 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया अच्छे से? पहले ये इतना आपको करके नहीं देखना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आपको सीधा पता है कि हाँ जी एक आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इस तरह से, तो हमें पता चल गया कि 6 से फिर 1 तक जाएगा, देन आपका 7 टू 1 तक जाएगा आपका, फिर 8 से 1 तक जाएगा, और उनको सभी को आप टोटल कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट ए रेट ऑफ एक्स रुपीज पर बुक, ए प्लस 2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स प्लस 2 पर बुक्स एंड ए माइनस 2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स माइनस 2 पर बुक, व्हाट इज द टोटल सेल। अब देखिए ए नंबर बुक्स पहला है आपके पास में, ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स रुपीज। अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी है ज्योग्राफी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपके पास में ए, एंड आपका जो प्राइस है बुक का, ठीक है, तो उसका क्या है रेट पर बुक आपका कितना है एक्स, दैट मींस टोटल आपके क्या चार्जेस हो गए, कितना हो गया एक्स हो गया, क्लियर। अब इसी तरह से दूसरा क्या है आपके पास में, हिस्ट्री की बुक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री को लेके चलते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स आपकी कितनी है, इसी तरह से फाइंड आउट कर लो कि नंबर ऑफ बुक्स है ए प्लस 2 एंड रेट पर बुक आपके पास में कितना है, हाँ जी एक्स प्लस 2, क्लियर। उसके बाद में तीसरी जो है वो आपकी मैथमेटिक्स की बुक, ये इनका जो नंबर है वो है आपके पास में a माइनस 2 एंड रेट जो है वो कितना है a x माइनस, जब ये वाली बुक्स हैं इनका टोटल रेट कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, और इधर से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। अब टोटल रेट पूछा तो टोटल में हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्राइस है इसका, ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो प्राइस आ गया आपका, और ये इन तीनों को क्या कर दोगे आप टोटल कर दोगे। तो देखिए ये आ गया आपके पास में ए एक्स, यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, हाँ जी मैं यहाँ पे आपको अलग से मल्टीप्लाई करना बता देती हूँ, पहले क्या करेंगे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया ए एक्स, देन आप इसी को ही a को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आपके पास में वैल्यू आ गई 2a। अब a के साथ में हमने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा प्लस 2x, फिर इस 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4। उसके बाद में बारी आ गई आपकी इसकी, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगी वैल्यू प्लस ए एक्स, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा माइनस 2a, देन माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे जो 2a है ये 2a के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x 2x के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 ये आपके पास में आ गया 3x प्लस 4 प्लस 4 8, दिस विल योर टोटल सेल। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, देखो यूपीएससी में कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस
जो क्वेश्चन है उसको आपको देखने का नजरिया चेंज करना है। सॉरी गाइस। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। एक आपके पास में बैग है, उसके अंदर आपके पास में क्या है, 20 जो 15 है वो क्या है, रेड बॉल्स हैं एंड 20 ब्लैक बॉल्स हैं। अब है आपके पास में कि ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1, 2 और 3। जो बॉल्स है सभी पे कोई ना कोई एक नंबर मेंशन किया हुआ आपके पास में, लाइक 1, 2 और 3। अब है 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1। 20% ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है आपके पास में 15, इसका 20% कितना हो गया 1/5, सो 3। दैट मींस 3 रेड बॉल्स जो हैं उन पे क्या नंबर है, 1 नंबर है उन पे 1। क्लियर। एंड 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3। 40%, अब देखिए 20% कितना था आपका 1/2, तो 40% कितना हो गया आपके पास में जो है 2/5, तो आपके पास में वैल्यूज आ गई 3। सो जो आपके पास में 6 रेड बॉल्स हैं उनके ऊपर नंबर क्या मेंशन किया हुआ है, नंबर 3। टोटल 15 बॉल्स थी, ठीक है, 3 के ऊपर नंबर 1 है, 6 पे आपके पास में नंबर 3 है, तो कितनी बच गई आपके पास में, 6 बॉल्स बच गई हैं। जो 6 बॉल्स है रेड उन पे कौन सा नंबर होगा, उसने कहा कि आपके पास में 3 नंबर से मेंशन किए गए हैं, कौन से, 1, 2 एंड 3। तो जो बाकी आपके बॉल्स रिमेनिंग है उन पे आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर 2। क्लियर। अब हम बढ़ते नेक्स्ट को, आपके जो स्टेप है वो क्या कह रहा है कि सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2। 45%, हाँ जी, 5% मीन्स 1/20, ये क्या है आपका 5%, तो 45 कितना हो गया 9/20। अब इसके जो 45% है मीन्स जो आपकी 9 बॉल्स हैं उसके ऊपर क्या नंबर मेंशन है, नंबर 2। क्लियर। 30% आर नंबर 3। जो 30% है, 30% जो बॉल्स हैं, तो 20 की जो आपकी 30% कितनी हो गई, 3/10 मींस 6। जो 6 ब्लैक बॉल्स हैं उनके ऊपर क्या नंबर मेंशन किया हुआ है, नंबर 3। और जो रिमेनिंग बॉल्स बच गई आपकी कितनी, 5 बॉल्स रह गई हैं, उनके ऊपर क्या नंबर मेंशन होगा, नंबर 1। यहां तक सभी को क्लियर है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है। अब आपके पास में अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ तो आप इस तरह से भी कर सकते, लाइक 20% फाइंड आउट करना है, तो 20/100 × 50, तो ये आपके पास में फाइनली 1/5 ही आएगा। अब उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए बॉय पिक्स ए बॉल एट रैंडम, ही विंस, वो जीत जाता है इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। बॉल इज रेड एंड नंबर 3, अब रेड और नंबर 3 कौन सी आपकी, ये वाली मींस, अगर वो एक बॉल जो है वो पिक करता है और वो रेड कलर की है और उसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ है, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर इज 3 और इफ इट इज ब्लैक, या फिर बॉल क्या है आपकी ब्लैक है एंड नंबर 1 और 2। अगर बच्चे आपके पास में और आ रहा है तो आपको दोनों को लेके चलना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर वो कब जीत जाता है, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर इज 3, ये आ गया आपके पास में, और मतलब प्लस लिखना है आपने, ठीक है। इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर इज 1 और 2, और 1 और 2 की जो नंबरिंग है वो देखो आपके पास में कितने, 9+15, ठीक है, तो 9+15 आपके पास में कितनी है, 14, 9+5 आपके पास में हो गया 14। क्लियर।
ये आपके पास में, अब वो कह रहा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज विनिंग। जब आपके पास में चांसेस की बात कर रहा है, दैट मींस आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जब आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जितने भी आपके पास में फेयर आउटकम है वो डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, टोटल पोल्स कितनी है, 20 + 15 = 35। सो 35C1, क्लियर है। जब आपके पास में एक सिंपल सी वैल्यू है NC1, NC1 हमेशा किसके बराबर होता है, आपका N के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे 6C1 आपका हो गया 6, 14C1 हो गया आपके पास में 14, N डिवाइडेड बाई 35, दिस विल बी 20/35। आप इसको 5 से कट करोगे तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 4/7, क्लियर। हाँ जी, समझ आ गया अच्छे से। पहले आपको परसेंटेज के बेसिस पे सभी बॉल्स को फाइंड आउट करना है कि कितने जो बॉल्स हैं वो कितने कौन से कलर की हैं और उनके ऊपर क्या नंबर आपके पास में वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास में और का साइन है तो आप उनको प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर आपके पास में एंड है देन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, टू पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट ए स्टार्ट, एट स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए, जो बी है वो आगे है किससे, ए से, ठीक है। हाँ जी, एंड देयर पोजिशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो उनकी पोजिशन है वो यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, ठीक है। जो बी है वो आपका आगे है, ए है आपका पीछे। व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट मींस वो ए जब आपका यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, ही मीट्स बी, तो वो किससे मिलता है, बी से मिलता है। मींस आपका जो ए है वो भी इधर ही रन कर रहा है, बी भी आपका इधर ही रन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आके दोनों ए और बी मिल जाते हैं। What is the ratio of the speed of A and B? अब देखिए, यहाँ से अगर हम A की बात करते हैं, ठीक है, तो A ने आपका कितना डिग्री मूव हो गया, वो पूरा 180 डिग्री मूव हो गया आपका A. A ने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, 180 डिग्री का डिस्टेंस मूव कर लिया, ठीक है जी। और जो B है उसने कितना डिस्टेंस, 30 डिग्री तो वो पहले ही आगे था, दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 150 का। दैट मीन्स इनकी जो आपकी जो वैल्यू आ गई है डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस की आपकी रेशियो आ गई है 3:6:5, ठीक है। अब आपके जो डिस्टेंस की रेशियो है 6:5 है, और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी, रेशियो फाइंड आउट करने किसकी, स्पीड की। जब स्पीड की हमें पता है कि जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप कम डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो डिस्टेंस की रेशियो अगर 6:5 है तो आपका जो स्पीड है उसकी भी रेशियो क्या होगी, 6:5 होगी, क्लियर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और तरीके से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए जो अपने पास में हमें पता है कि स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा, देन स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यही फॉर्मूला है आपका। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जो है और बी है, दोनों ने रन करना तो सेम टाइम पे शुरू किया है, और दोनों यहाँ पे पहुंचे हैं, दैट मींस कि दोनों को सेम टाइम ही लगा है यहाँ पे पहुंचने में, तो मान लेते हैं कि उसको टी टाइम लगा है, ठीक है। तो टी टाइम लगा है तो अगर हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है कितना है, 6/t, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास में, 5/t, टी से टी आप कैंसिल आउट कर दोगे, अगेन आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, 6:5, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाला है, उसके बाद में हम इसको स्पीड की रेशियो को डिस्टेंस की रेशियो के इक्वल क्यों कह रहे हैं। डन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट हैज गेट 40% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है, उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए। सपोज सपोज ही गेट्स 30 मार्क एंड फेल बाय 30 मार्क्स। अगर उसके 30 मार्क्स आ गए और फेल हो जाता है, वो फिर भी किसे 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको पास होने के लिए 30 मार्क्स और चाहिए थे, 30 मार्क्स तो उसके आगे, अगर वो 30 मार्क्स और ले लेता है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 60 मार्क्स चाहिए। किसलिए चाहिए 60 मार्क्स? पास होने के लिए। और जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी आपकी? 40% है। तो 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 60, सो टोटल विल बी, ये आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी 2315 एंड टी विल बी 150। बहुत आसान सवाल है, क्लरिकल से भी इजी पूछ रखा है, ठीक है। हाँ जी देखिए, समझ आ गया क्या किया? 30 मार्क्स जो स्टूडेंट है उसके 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 30 से वो फेल हो गया, मींस उसको पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए? 60 मार्क्स चाहिए। और पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40%। 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 60। जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 बॉयज रन आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज 11 आर बियरिंग हॉकी शर्ट। टोटल कितने बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास में? 19, ठीक है। ऑफ दीज 11 आर बियरिंग हॉकी टी शर्ट, जो 11 है उन्होंने क्या कर रखा है? हॉकी टी शर्ट। एंड 14 आर बियरिंग हॉकी पैंट्स, एंड 14 आर बियरिंग हॉकी पैंट्स। नो बॉय विदाउट शर्ट और नो पैंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म? देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास में 19, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके अगर टोटल करते हैं तो आपके पास में कितना बन रहा है? 28। मींस कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके पास में पैंट और टी शर्ट दोनों की दोनों वियर कर रखी है। That means कि आपके पास में जो चार्ट बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है आपका वेन डायग्राम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये पर्सन फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर आपका टी शर्ट भी है और पैंट्स भी है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों को आप टोटल करोगे, ठीक है। तो 14 प्लस 11 और इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम 19। सो 25 माइनस 19, तो ये आपके पास में आ गया 6। सिक्स स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास में ऐसे हैं जिन्होंने पैंट और आपकी टी शर्ट दोनों की दोनों वेयर कर रखी, दैट मीन्स दो स्टूडेंट्स वेयर द फुल यूनिफॉर्म। क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज 40। एक शॉपकीपर है, उसने अपने आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा है? 40 रुपीज के अंदर बेचा है। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट रुपीज 20 ही फेसेस द सेम परसेंटेज। और उसको क्या है, x परसेंट का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। SP इतना है, ठीक है जी, जो प्रॉफिट है वो आपका है x परसेंट, ठीक है। जब x प्रॉफिट हो गया दैट मींस उसका CP कितना हो गया आपके पास में? 40 माइनस मीन्स उसने 40 रुपीज पे x परसेंट जो है वो कम लिया था, तो इस करके उसको क्या हो गया? अब दूसरा जो केस है उसमें क्या कह रहा है कि when he sells at 20 रुपीज, तो उस केस में क्या होता है? उसको लॉस हो रहा है, कितने का? x का लॉस हो गया। दैट मीन्स कि उसका जो CP है वो कितना है? 20 प्लस x। बट आप ये बताइए, जो CP है वो तो एक पर्सन ने एक चीज एक बार ही खरीदी है, उसका सीपी अलग अलग तो नहीं हो सकता? दैट मीन सीपी दोनों केसेस में आपका इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों सीपी को इक्वल पुट कर दोगे। 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एंड दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 60, सो एक्स विल बी 30, ठीक है जी। ये आपके पास में आपके जो वैल्यू आ गई है ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये आपका जो 2x इधर चला गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 20 एंड x विल बी 10, ठीक
ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट लॉस है वो कितना है 10, तो सीपी कितना हो गया 40 माइनस 10 मीन्स 30, या फिर 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, योर सीपी विल बी 30, योर कॉस्ट प्राइस विल बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट पॉइंट्स लेइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हाइल व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ थ्री पॉइंट्स एट द वर्टिसेस। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले किया था, कौन सा डायगोनल वाला, जब आप डायगोनल फाइंड आउट कर रहे थे तो उस केस में क्या था, आपके दो पॉइंट्स बन रहे थे, एक मिनट ड्रॉ करके बताती हूं आपको, ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है कि 24 जो है पॉइंट्स बने हुए हैं इक्वल स्पेस पे लाइक दिस, ठीक है जी, आप काउंट करके लिख लीजिए। अब उसके बाद में क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, अगर वो सिर्फ कहता है कि हां जी ट्रायंगल्स कितने बनेंगे तो आप सिंपल कर देते 24C3 माइनस जितने भी आपके पास में 24 है वो माइनस कर देते, ठीक है, बट अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, आपको डायगोनल नहीं फाइंड आउट करने, आपके पास में जो ट्रायंगल है वो भी कौन सा होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास में ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये नहीं चलेगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसके तीनों के तीनों आपके जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है और जो बीच का जो एंगल है तीनों का वो 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जितने भी नंबर ऑफ डॉट्स हैं आपके 24 और जितनी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं कितनी है 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा 8, सो ऑप्शन 3 8 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड 2 फीट इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड 2 फीट इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। एक आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो कितना है, हाँ जी कितना आपका डायगोनल 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस की थ्योरम आप जानते हो, उसके अंदर क्या होता है आपके पास में, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आप उसका ये जो है हाइपोटेन्यूज इसको फाइंड आउट करना है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ जी बेस इनटू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है जी, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये दी हुई है आपके पास में, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे मेरा 25 कैसे बनेगा, हमारे पास में दो परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगर मैं लेती हूँ इसको 16 प्लस 9 या फिर 9 प्लस 16, आपके दो ही केसेस बनते हैं, इसके अलावा तीसरा केस तो बन नहीं रहा, दैट मीन्स या तो आपकी जो ये वाली लेंथ है ये हो गया आपकी 4 मीन्स ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रेड्थ होगी आपकी 3, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि ब्रेड्थ आपकी जो है वो 4 हो गई है, लेंथ आपकी हो गई है 3, ठीक है, दोनों केसेस में एक ही बात है। अब आपके पास में आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है कि 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड 2 फीट इन ए रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के अंदर 12 फिट करने हैं तो 12 आप कैसे फिट करोगे, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रेक्टेंगल है उसके अंदर स्क्वायर्स फिट करने, कैसे फिट करने लाइक दिस, इस तरह से कुछ स्क्वायर्स फिट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, अगेन एरिया पता होना चाहिए, और हमें पता है कि जो आपका रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है जी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब आपके पास में हो गया 12 है, और जो आपके स्क्वायर है वो कितने फिट करने हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट मींस 1, तो जो आपका स्क्वायर है उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्लियर, इजी था बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हां
हाँ जी, फॉर ए स्पोर्ट मीट ए विनर स्टैंड्स कंप्राइजिंग थ्री वुडन ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म. देयर आर सिक्स डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ द थ्री वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नॉट टू ऑफ देम हैव द सेम कलर. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड टू विनर स्टैंड बी पेंटेड. तो जो विनर स्टैंड एक स्टैंड बनाया हुआ है यहाँ पे आपके पास में, इस तरह से कुछ है, ठीक है. तो इसके अंदर आपने कितने कलर्स आ सकते हैं? तीन कलर आ सकते हैं. और वो क्या कह रहा है, आपके पास में सिक्स डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और अब इनके अंदर कोई भी कलर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. अगेन आपके पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे आप, सिक्स डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल है. तो जो आपका फर्स्ट है, आपके पास में कितने पॉइंट्स है, थ्री है, थ्री भी आपको फिल करना है. तो फर्स्ट के अंदर आप कितने तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं, सिक्स कलर है तो सिक्स में से कोई भी डाल सकते हैं, सिक्स. अब जो एक कलर है वो आपका चला गया, अब कितने कलर बच गए आपके पास में, फाइव. अब तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई है 120, सॉरी स्टूडेंट्स, क्लियर. हाँ जी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 ऑप्शन ए. देखिए कितनी सेकंड के, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाया है, आप ऐसे ही कर दोगे इसको तो ठीक है. तो 120 आंसर आ जाएगा. सिंपल क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 अडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट्स. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका ये. क्या कह रहा है कि लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि उसके अंदर क्या है, 18 अडल्ट्स आ सकते हैं और 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं. या तो 18 अडल्ट्स आ सकते हैं या फिर 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं, ये कह रहा है. अब इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक अगर अडल्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वन अडल्ट इज इक्वल टू 30/18 चिल्ड्रन 6, दैट मीन्स 5/3 चिल्ड्रन. एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है जी. अब देखिए कह रहा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट के साथ में कितने और चिल्ड्रन जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं. अब हमारे पास, हमें पता है कि टोटल कितने अडल्ट लिफ्ट कर सकते हैं, 18. क्या कह रहा है, 12 के साथ में कितने कर सकते हैं, 12 अडल्ट प्लस 6 अडल्ट. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं बिल्कुल. 1 अडल्ट इज इक्वल टू 5+3 चिल्ड्रन एंड देयर फोर 6 अडल्ट विल बी इक्वल टू 5/3 इंटू 6 चिल्ड्रन. दैट मीन्स You can say 12 adults plus 10 children. तो कितने आपके जो children है वो board हो सकते हैं, साथ में 10 children. Clear? बिल्कुल easy question था. हाँ जी, next question देखिए. A person bought a refrigerator worth 22,800 with 12.5% interest compounded yearly. एक person है, उसने एक refrigerator purchase किया है 22,800 का at 12.5% rate पे, ठीक है जी, compound interest दे रहा हुआ. अगेन आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. तो इसमें क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड 8650 रुपीज एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 9125 रुपीज. हाउ मच विल ही पे टू हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट. देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अपने पास में क्या होता है, ठीक है. जब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है उसी पे थ्री इयर्स का कठा इंटरेस्ट लग जाएगा. बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि आप जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपका कुछ इंटरेस्ट बन रहा है, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपकी एक्चुअल अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, साथ में जो आपका इंटरेस्ट लास्ट ईयर का था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा. दैट मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. हाँ जी, देखते हैं कैसे करेंगे. रेफ्रिजरेटर जो है उसकी कॉस्ट आपकी कितनी दे रखी है, 20. अब फर्स्ट ईयर में
है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है 12.5% एंड वी नो 12.5% इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/8। ठीक है, हाँ जी पता है आप लोगों को, एक मिनट समझा देती हूँ। देखिए कितना हो गया आपके पास में 12.5 मीन्स 12:1/2, ठीक है, मीन्स 25/2%, परसेंट मीन्स बटा, सो तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 8, मीन्स वी कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शनल वैल्यू। और ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है, अगर हम एक सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस लेवल पे आके ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ईयर में आपके पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/8 के अकॉर्डिंग लगेगा, तो आप क्या करोगे इसको 1/8 से डिवाइड, दैट मींस दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 1/8। 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में देखिए वैल्यू क्या बन रही है, 6 और ये हो गया 40, हाँ जी आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 2850 वैल्यू आ गई, क्लियर। और अब देखिए टोटल जो अमाउंट हो गई है यहाँ पे जो उसको पे करनी है, अगर वो आफ्टर 1 ईयर टोटल पे करेगा तो कितनी अमाउंट होगी आपके पास में, इन दोनों को आप प्लस कर, ठीक है, कितनी होगी आपकी 0588164152, क्लियर, इतनी वैल्यू होगी। और यहाँ पे हाँ जी आप क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन के अंदर आगे कि उसने फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पे कर दिया, 8650 रुपीज जो है वो पे कर दिए, 8650 रुपीज पे कर दिए। जब उसने इतनी अमाउंट पे कर दी है तो इस टाइम पे हमारे पास में जो नेक्स्ट अमाउंट है जो पे करनी है वो कितनी रह गई है, 000 और ये आपके पास में हो गया 71, ठीक है जी, ये आपके पास में जो वैल्यू है 17,000 आ गया आपके पास, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर अगेन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि टोटल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट लगना है, तो कितना लगेगा अगेन 1/8 इसका एड करेंगे आप, ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू होगी, इसको आप डिवाइड करोगे 1, तो उसके बाद में आपके पास में आ गया 2 एंड दिस विल बी 2 एंड 5, ये आपके अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अब इन दोनों को आप जो टोटल करोगे अगेन, इन दोनों को प्लस कर दोगे, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 19,125। अब उसने सेकेंड ईयर में कितना पे कर दिया है वापिस, 9,125, तो अब देखिए उसके पास में कितनी वैल्यू बच गई, हाँ जी इसके अंदर जब आप इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में जो वैल्यू बच गई है वो बच गई है 10,000। अब 10,000 में थर्ड ईयर पे वो फिर दोबारा से आपसे इंटरेस्ट लेगा, कितना अगेन 1/8, ठीक है, तो जब 1/8 आप उसको करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ रही है, 1125, क्लियर, हाँ जी इतनी वैल्यू बनेगी, 8 2 जा 16, ठीक है, 4 8 5 जा 40, इतनी वैल्यू बन गई आपकी। तो अब देखिए यहाँ पे अब उसको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, अब इन दोनों का अगेन आप क्या करोगे प्लस, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 11250, तो थर्ड ईयर में आपकी कितनी वैल्यू पे करेगा वो 11250, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट, तो ही हैव टू पे 11,250 रुपीज टू क्लियर द डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखिए, इफ x माइनस y इज इक्वल टू 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, x माइनस y इज इक्वल टू है आपका 8, ठीक है। अब आप बताइए x माइनस y 8 कब होगा, ऑब्वियसली जब 8 की जो वैल्यू है वो y से, x की जो वैल्यू है वो y से ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मर्जी वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
ये आपके पास हो गया 9 और ये हो गया 1, तो 8 हो गया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। कह रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, हाँ जी पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में एक्स जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है और वाई भी हमारे पास में पॉजिटिव है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नो नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। हमें पता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 8 मोर देन होनी चाहिए वाई से, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया आपकी, ठीक है जी। हाँ जी सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, इफ एक्स इज पॉजिटिव वाई मस्ट बी नेगेटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव वाई मस्ट बी नेगेटिव, नहीं जी, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो गई आपकी। हाँ जी इफ एक्स इज नेगेटिव वाई मस्ट बी पॉजिटिव, इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स आपका नेगेटिव है तो कह रहा कि वाई भी आपका क्या होना चाहिए, हाँ जी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई है, क्योंकि उससे फिर अगेन आपकी वैल्यू 8 नहीं आएगी। तो आपका जो ऑप्शन है डी, नाइदर 1 नोर 2 नोर 3, ये जो है आपके ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं सी सेट पेपर जो 2018 का था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका जो रीजनिंग का पार्ट है, एंड द नेक्स्ट पार्ट द ग्राफिकल पोर्शन लाइक DIs, एंड आफ्टर दैट योर इंग्लिश। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स।